नमस्कार, खबर अयोध्या से। मया बाजार विधानसभा गोसाईगंज में उमड़े जनसैलाब के बीच भाजपा अपना दल निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अपनी जन आशीर्वाद कार्यक्रम में श्रीमती आरती खब्बू तिवारी ने वेदनापूर्ण रूधे गले सारगर्भित उद्बोधन से जनता के मन में अभूतपूर्व सहानुभूति की लहर दौड़ उठी। सर्वप्रथम मयागंज की इस पवित्र मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर नमन करते हुए उन्होंने, भूमि मेरे लिए और पवित्र इसलिए भी है क्योंकि मेरे पति इस मिट्टी में पैदा हुए, आप लोगों के बीच पले बढ़े, यह उनकी जन्मभूमि भी है। उन्होंने कहा कि मेरे पति सदैव मुझे बताया करते थे कि आप लोगों ने सन 2000 में उनको किस प्रकार जीवन दान दिलाया। आप लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे उनकी जीवन संगनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि घर की दहलीज से अपनी 85 वर्ष की बूढ़ी सासू माँ को घर पर छोड़कर, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अपनी दूधमुही बच्ची को लेकर अपने सिंदूर की रक्षा के लिए आपसे न्याय की गुहार करने निकली हैं। अपने पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सिंदूर को बचाइए, मुझे न्याय दिलाइए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही असली भगवान है। मैं अपने पति की जन्मभूमि कर्मभूमि में जनता से अपने सिंदूर की भीख मांगने आई हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी बहू, अपनी बेटी को निराश नहीं करेंगे। इसके बाद जनसंपर्क गोसाईगंज, बंदनपुर, ओम सिंह, अमसिन, शेरवा घाट, जनता का अपार स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं, नेताओं को मेरा सादर प्रणाम। अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं को मेरा सादर प्रणाम। उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट जहां मुझे न्याय दिलाएगा, वहीं विरोधियों के साजिश को भी करारा जवाब होगा। पुनः आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। बहुत क्रिटिकल परिस्थिति में आई है, हमारा स्वास्थ्य खतरे में है, आप लोग अपना आशीर्वाद रूपी मत देकर इस बहू के सुहाग को उसकी झोली में डालिए। अयोध्या मंडल ब्यूरो, सुनील तिवारी की रिपोर्ट।